भर दो जोड़ी मेरी या मोहम्मद, भर दो जोड़ी मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, अपने प्यारों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, हाँ दर पे आया हूँ बनकर सवारी। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, हालते बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो मेरे आका, अपने प्यारों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवारी। पैदा हुए तो हमसे शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर देके राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवास ने उम्मत खरीद ली। तो नवासों का सदका आता हो, अपने प्यारों का सदका आता हो, दर पे आया हो बनकर सवारी, हाँ दर पे आया हो बनकर सवारी। आशिक़े मुस्तफा की अजाबे अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, आशिक़े मुस्तफा की अजाबे अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी अजाने बेदारी। भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, भर दो झोली मेरी सुल्ताने मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हक से पाई मुशाने करीमी मरहबा, दोनों आलम के वाली मेरे आका, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई मुशाने करी उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुम दे डाली, तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। माशाल्लाह इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन इतनी सारी आवाज नहीं आ रही, सब मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद।
मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और काश कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, अपने प्यारों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। आमद के हवाले से चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का माह मुबारक करीब तर है और एक कलाम उसी हवाले से पेश कर रही हूँ। बहुत पुरानी रात है, हर बच्चे बच्चे को याद होगी, सब मिलकर मेरे साथ बाबा जबरन पढ़िएगा। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने मनाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, माँ भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हरी माँ तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न हमारे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल
अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह हकदार ला इल्लल्लाह सूरत नू मैं जाना का
सच आका तेरे रब दी मैं शाना था, उस शान तू शाना सब बड़े आ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। यहाँ पर माशाल्लाह मस्जिद की तामीर की जा रही है और इंसान अपने जाने के बाद किसी से भी तवक्को ना रखे, है ना। अगर हम अपने आप को देखें तो क्या हमारे पास आज टाइम है कि हम रोजाना एक अलहम्द और तीन कुल शरीफ अपने जो फोर फादर्स गुजर गए उनके लिए पढ़ें? टाइम है, आप में से कोई पढ़ता है रोजाना एक अलहम्द तीन कुल? तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले लोगों से कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे? कोई श्योरिटी है किसी के पास? नहीं है ना। अपने लिए जो करना है वो हमें खुद करना है, सही कह रही हूँ? अगर नहीं कह रही तो बता सकते, कह रही हूँ ना सही। जो करना है हमें अपने लिए खुद करना है। इस मस्जिद की तामीर हो रही है, जितना जिससे हो सकता है वो जरूर सदका करें, अल्लाह की राह में दे इंशाल्लाह। ये मेरा ईमान है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अल्लाह की राह में देते तो उनकी नस्लें बैठ के खाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अल्लाह के नाम पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खर्च करते हैं तो वो बैठ के खाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी भर के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती और आने वाली जो उनकी बाद की जिंदगी है उसके लिए भी अल्लाह तबारक तआला ऐसा इंतजाम करता है कि हमारी सोच होगी। और वो क्या है वो इंतजाम? ये है कि जब हम किसी भी तो बात ही थी सॉरी कि वो इंतजाम क्या होगा कि जब ये मस्जिद तामीर हो जाएगी जितनी इसमें इबादत होगी और जब तक इसमें इबादत होगी सवाब आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसलिए हम ऐसे काम करके जाए कि बाद के लिए भी हमें टेंशन ना हो, बाद के लिए भी हमें किसी की जरूरत ना पड़े कि हमारी औलाद होगी तो वो मतलब आपको जो है वो सत्ता जारिया करेगी। आप अपने लिए इतना कर जाए कि अगर आपकी औलाद को तौफीक ना भी हो या ना भी याद रहे, आजकल तो लोगों को अपने नाना दादा का नाम याद नहीं होता तो उन पर फातिहा दुरूद पढ़ना क्या याद होगा, सही कह रही हूँ? मैंने लोगों को देखा है। ये वाक्य तो खैर आपको बाद में सुनाऊंगी मगर अभी नात की तरफ चलते हैं कि जिसके लिए फरमाइश की है सब मिलकर मेरे साथ बाबा जुकरन पढ़िएगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। आज दारे हरम